वही सब्सक्राइब करो ना स्टॉप किडनी डायलिसिस को और 1 लाख तक पहुंचाओ। किडनी को हेल्दी बनाने के लिए 5 फूड्स। हम सभी इस बारे में जानते हैं कि किडनी हमारी बॉडी का सबसे खास अंग है, क्योंकि यही एक अंग है जो हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी में सभी चीजों के बीच बैलेंस बना रहता है। अब किडनी हमारे लिए इतनी जरूरी है तो इसका मतलब है कि इसे हमेशा हमें फिट रखना चाहिए। किडनी को फिट रखने का सबसे आसान तरीका है कि हम सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन को लिमिटेड अमाउंट में लें, और दूसरा किडनी को समय समय पर डिटॉक्स करते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी खाने की चीजें बताएंगे जिससे हमारी किडनी हमेशा स्वस्थ बनी रहेगी, और अब जब किडनी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनसे हमारी किडनी रहती है हमेशा फिट। तो पहली चीज है लहसुन। लहसुन एक ऐसी चीज है जो कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चटनी, अचार और इससे सब्जी बनाने में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस काफी कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से यह हमारी किडनी को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। लहसुन खाने से हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम और शुगर जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। आपको बता दें कि ये तीनों समस्याएं किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण मानी जाती हैं। दूसरी चीज है अनानास। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर आप अनानास को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है और पेशाब से जुड़ी समस्याएं भी कम होने लगती हैं। इससे हमारी किडनी स्वस्थ बनी रहती है। इतना ही नहीं, अनानास खाने से अर्थराइटिस की समस्या में भी काफी आराम मिलता है। अनानास में ब्रोमेलिन नाम का एक खास एंजाइम होता है जिससे बॉडी में सूजन की समस्या में काफी आराम मिलता है, और इससे प्रोटीन एब्जॉर्ब होने में भी काफी मदद मिलती है, जिससे किडनी के काम में काफी मदद मिलती है। अनानास किडनी के लिए इतना फायदेमंद है कि किडनी रोगी भी इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही। तो किडनी को फिट रखने के लिए अनानास जरूर खाएं। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जिससे रहती है किडनी एकदम स्वस्थ। तो वो चीज है जामुन। गुलाब जामुन नहीं, जामुन फल। जी हाँ, ये छोटा सा फल हमारी किडनी को फिट रखने में हमारी मदद करता है। दरअसल जामुन खाने से हमारी अनीमिया की समस्या में काफी आराम मिलता है, जिससे किडनी सिकुड़ने की समस्या नहीं होती। अनीमिया की समस्या होने पर बॉडी में ब्लड कम होने लगता है, जिसकी वजह से किडनी तक ठीक से ब्लड नहीं जा पाता और फिर किडनी सिकुड़ना शुरू कर देती है। इसके अलावा अनीमिया की वजह से और भी काफी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जामुन खाने से डायबिटीज की समस्या में काफी आराम मिलता है। जामुन और जामुन की गुठली लेने से ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है, जिससे किडनी पर बुरा असर नहीं पड़ता। इसलिए जामुन का मौसम आने पर खूब जामुन खाएं और बाद में उसकी गुठली के चूर्ण का सेवन करें। आप रोजाना सुबह खाली पेट 3 ग्राम के करीब जामुन की गुठली का चूर्ण पानी के साथ ले सकते हैं। ध्यान रहे, दवाइयाँ लेने और चूर्ण लेने के समय में कम से कम 1 घंटे का गैप रखें, और अगर आप किडनी रोगी हैं तो जामुन और इसकी गुठली से दूर ही रहें। अकेले जामुन खाने से ही हमारी किडनी फिट नहीं रहती बल्कि इसकी गुठली के चूर्ण से किडनी स्टोन की समस्या में भी काफी आराम मिलता है। अगर आप किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप जामुन की गुठली के चूर्ण को सुबह खाली पेट दही में मिलाकर खाएं। इससे स्टोन टूटकर यूरिन के जरिए शरीर से बाहर आने लगेगा।
लेकिन अब चूर्ण कितना लेना है और कितने दिनों के गैप में लेना है, इसके बारे में स्टोन के साइज के बारे में जानकर ही कुछ बताया जा सकता है। तो अब अगर आप इस बारे में पूरी ठीक से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म के जरिए भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किडनी को फिट रखने की चौथी चीज, और वो है गाजर। ठंड का मौसम आते ही लोग खूब गाजर खाते हैं। अब वो चाहे गाजर की सलाद हो, गाजर की सब्जी हो, या गाजर का रायता, या फिर गाजर का हलवा। क्यों, आ गया ना मुंह में पानी। चलिए अब बात करते हैं आखिर गाजर से हमारी किडनी फिट कैसे रहती है। दरअसल गाजर में विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, जिससे किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफी मदद मिलती है। गाजर शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है, जिससे अनीमिया नहीं होता और इससे किडनी तक ठीक से ब्लड फ्लो बना रहता है और किडनी सिकुड़न की समस्या नहीं होती। गाजर भले ही मीठी होती हो, लेकिन इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। वहीं गाजर खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अब वो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो या हाई, दोनों ही काबू में रहते हैं। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद पेक्टिन किडनी फेल होने से बचाता है। गाजर हमारी किडनी के लिए इतनी फायदेमंद होती है कि इसे किडनी रोगी भी अपनी डाइट में बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ठंड के मौसम में। चलिए अब बात करते हैं किडनी को फिट रखने की पांचवी चीज के बारे में, और वो है कॉर्न सिल्क, यानी भुट्टे के बाल या भुट्टे के रेशे, जो भी आप कहना चाहें। भुट्टे के रेशों से हमारी किडनी हमेशा फिट बनी रहती है। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको भुट्टे की चाय पीनी होगी। इस चाय को बनाने के लिए आपको चाहिए बस भुट्टे के रेशे, और इसे आपको एक गिलास पानी में तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। जब चाय बन जाए तो इसमें आप शहद, काला नमक या फिर सेंधा नमक डालकर इसे गर्म गर्म पी सकते हैं। इससे आपको ज्यादा पेशाब आएगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी हो जाएगी एकदम अंदर से साफ। ध्यान रहे, इस चाय को पीने के बाद पेशाब ज्यादा आता है, तो पानी ठीक से पीते रहें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कॉर्न सिल्क मिलते कहाँ हैं? ये आपको भुट्टे में ही मिलते हैं। जब आप भुट्टे को छीलते हैं तो उसमें से जो रेशे निकलते हैं वही कॉर्न सिल्क या भुट्टे के रेशे होते हैं, जिसे हम अक्सर कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। तो अब आगे से उन्हें फेंकना नहीं। हाँ, बस ध्यान रहे किडनी रोगी इसका सेवन बिल्कुल ना करें। तो ये थी वो पांच चीजें जिससे किडनी रहती है हमेशा फिट और नहीं होती कभी भी खराब। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सबसे जरूरी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबको शेयर करो और सबकी किडनी को फिट रखो। अब जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। अब इतनी सारी जानकारी दी है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।